हाँ जी सर, ये क्या है? 15 मिनट में तो आप तब अटेंड कर रहे हैं ना जब विधायक भी यहाँ पे पहुँच गए हैं, जब मंत्री भी यहाँ पे पहुँच गए हैं। आपकी तनख्वाह कटने लग जाए ना जिस दिन, जब तक इनके सीवर नहीं साफ होते, 1 मिनट में सारे सीवर साफ होंगे। जिम्मेदारी काम कराना, वरना नौकरी से इस्तीफा दे दें अगर नहीं करा सकते हैं। पब्लिक को बहाने मत बनाइए, सारा सीवर का पानी। किसी भी एरिया में ऐसी हालात आ रही है, हम सबको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हाँ जी, nobody is listening madam, we are having written communication but nobody is paying attention. एक्सीएन कौन है? एक्सीएन को बुला लो। एक्सीएन कौन है? हाँ जी सर, ये क्या है? एक लाइन सेटलमेंट हुआ है, नोट इन 102 डे। हाँ जी, मेरा ब्लॉकेज है, अभी इसको अटेंड करवा देते हैं। हाँ जी, आइए भाई साहब, एक सेकंड बताइए। पैन के आते हैं, सिर्फ आते हैं और यहाँ से जरा सा डंडा हिलाते हैं आगे से। हाँ जी, चल देते हैं कुल की बस पे सटर बंद है। इन लोग बोलो, कह रहा नहीं नहीं हो गया चलो नहीं होगा, और फिर वहाँ पे फोन कर फोन नहीं उठाते। कब से है ये प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम आज एक हफ्ता हो गया मेरे को। तो इनको फोन करा, बड़ी मुश्किल कहा। हाँ, तब जाके ये ढक्कन बदला है, लेकिन ये मलवा इसी में डाल के ढक्कन भी मलवा इसके अंदर ढक्कन वो बड़ी मुश्किल से तोड़ा। हाँ जी बताइए, क्यों है यहाँ पे पानी, सीवर का पानी इनके घर के सामने क्यों है? आप 15 मिनट अगर एक सेकंड, जब यहाँ पे 1 महीने से सीवर बह रहा है, जब पब्लिक आपको बार बार कंप्लेंट कर रही है, तब 15 मिनट में क्यों नहीं हुआ? ये यहाँ से लेडीज जा रही है जी, इकट्ठा होकर वहाँ राजकुमार जी के पास। ये पूरा डैमेज है, कोई नहीं देखता है सर। कंबाइंड सिस्टम है एक्चुअली सर, एक सेकंड, कंबाइंड सिस्टम पूरी दिल्ली में बहुत सारी जगह पर है, ये फैक्ट है। दूसरी बात, अभी यमुना की सफाई की जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड ने ली है और NGT के आदेशों पे हमने नालियों को सीवर में जोड़ा है, वरना ये नाली का पानी सीधा यमुना जी में जाता था। तो अगर आपके यहाँ नाली सीवर में जुड़ी हुई है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसकी सफाई करवानी होगी। इसका कोई तो जवाब होगा, जो JEE का काम है मंत्री को करना पड़ रहा है। मेरा काम है क्या कि मैं हर गली में जाऊंगी दिल्ली की और मैं देखूंगी कि कहाँ पे सीवर भरा हुआ है? ये आपका काम है, इसके लिए आपको तनख्वाह मिलती है। आपकी तनख्वाह कटने लग जाए ना जिस दिन, जब तक इनके सीवर नहीं साफ होते, 1 मिनट में सारे सीवर साफ होंगे। ACM साहब, इस पूरे एरिया को एक बार पूरा इंस्पेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, आपको भी ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। कहीं पर भी मुझे इस पूरी कॉलोनी में सीवर बहता हुआ नहीं दिखना चाहिए। सारे रिसोर्सेज हैं आपके पास, हर तरह की मशीनें हैं, अगर कहीं पे लाइन सेटल हो गई है तो लाइन को बदलिए। आपके पास कितनी मशीनें हैं? तो अगर आपके पास 3 मशीनें हैं, तो 3 मशीनें होते हुए ये साफ क्यों नहीं हुआ इतने दिन से? कराते हैं तो बार-बार आ जाते हैं, तो इसका सोल्यूशन कोई तो ढूंढेंगे ना आप। अगर आपको और मशीनें चाहिए तो आप बताइए ACM को। विधानसभा में 7 मशीनें हैं। ये मेरी कंप्लेंट है सारी। कौन है योगेश कुमार? कभी इस कॉलोनी का राउंड लगाया है? तो फिर कब लगाया बताइए। कब लगाया? अरे मेरे साथ यहाँ पे ये तो कभी पुराना हो गया, तो इसको बोल रहे हैं ये ही रिटायर हो गए, मैंने तो देखा नहीं, कभी नहीं आता। देखिए देखिए, सारा पब्लिक के सामने सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। 7 मशीनें इनके पास, एक मशीन सिर्फ चलती है, हमने 7 मशीनें कहा है हमें नहीं। आपके मशीन के लॉग्स कहाँ हैं, दिखाइए मुझे। हाँ जी, कई साल से मैंने JEE फोन करते हैं, आते नहीं है। हाँ जी, मेरे साहब भी फोन करते हैं, ये JEE हम आगे जाके नहीं, हमारा है फुल बंद पड़ा है। विदाउट डूइंग एनीथिंग दे पास्ड इट। सर कोई बताए कि जी, लेकिन और क्या बताना पड़ेगा, बताइए क्या बताया सर को, क्या कह रहे हैं लोग काम करते हैं बताइए। मेरा ये कह रहा है वो इनकी जिम्मेदारी है, एक सेकंड काम, एक सेकंड काम कराना इनकी जिम्मेदारी है। कहे ना राइटिंग में लिख के दे, हमारे पास फंड नहीं है। अरे ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, इनकी जिम्मेदारी है काम कराना, वरना नौकरी से इस्तीफा दे दें अगर नहीं करा सकते हैं। पब्लिक को बहाने मत बनाइए। अगर ये पहले से साफ करके रखे ना, ये भरे ही नहीं। तो ये मजाक बना के रखा हुआ है आप लोगों ने क्या? डेली 4 बार बात होती है मेरी से, मतलब अब MLA काम ये हो गया कि वो जल बोर्ड का ही अधिकारी हो गया है। कोई गया? आप MLA का बात कर रहे हैं, इन्होंने मंत्री को JEE बना दिया। बस पर पब्लिक ऐसे गंद में नहीं रह सकती है। और उसका डेटा नहीं है, कितनी सीट उठाई, कहाँ फेंकी, मशीन चली कितने घंटे चली, वो तो पता लगे। और मुझे आप अपने मशीन के लॉग्स मंगवाइए। आइए। हाँ जी, सीवर डालने के बाद ही क्या है, 1.5 साल से ऊपर हो गया। ये क्या है, 1.5 साल हो गया इसको। आप कभी आए सर यहाँ पे? आप बताइए, आपने कॉन्ट्रैक्टर को अभी तक ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया जिसने रेस्टोरेशन नहीं करी? उनको सब पता है जी, लोग आते जाते रहते हैं ये सड़क से, लेकिन इनको ये तो आप रेस्टोरेशन का अलग से करते टेंडर।
मैं कितनी बार मैंने खुद कह दिया बरसात में लोग फिसल रहे हैं, मोटरसाइकिल मैंने खुद फोन कर लिए ना तो कर दो। अभी एक चाह रहा है कि मैं अपने पैसे से करा दूं, यही करना पड़ेगा ना मुझे, मना कर दो बात खत्म। हम वहां तक कराया भी, हम तो करा लेंगे, बात खत्म करो। और ये रोज बढ़ता है। हाँ जी, कहाँ है एक्सीडेंट, कहाँ है? ये दुकानदारों बच्चा खड़ा हुआ है, मैंने यही खड़े होकर साफ कराया। बुलाइए जरा दुकानदार साहब को, बुलाइए, साइड हो जाइए। हाँ जी, बताइए कितने दिन से भरा हुआ था ये? कभी खाली नहीं हुआ, हर चार दिन में पाँच दिन में, आज खोलो फिर भर दिया। मैंने सभी लोगों को इन्फॉर्म कर रखा है, लेकिन कोई कहते हैं बजट नहीं है, कभी कुछ कहते हैं कि ये सही है, कभी कुछ कभी कुछ। बताइए क्या है प्रॉब्लम? तो डॉक्टर साहब, हाँ जी बताइए सर, क्यों नहीं हुई है चेंज ये लाइन? क्यों नहीं हुई है? हाँ जी बताइए क्या मैटर है? मैडम इतना बोलते हैं जय साहब, हमारे यहाँ भी हमने साउंड पार्क में भी शिकायत करी है, कोई प्रॉब्लम आती है कभी नहीं आते टाइम पे। सीवर आज भी चलिए मैं दिखा देता हूँ, जाम पड़े हैं। हमने इतना फोन किया है 1916 पे भी किया है, कोई नहीं आता है जी। तुम कहाँ कह रहे थे मुझे भी कि हमने दिवाली से पहले खोदने की आगे जहाँ डिस्टर्ब है, कितनी आगे है? अब लगाया ना मैंने आपको, एक सेकंड, कब से दिक्कत है इस इलाके में बताओ, ये बताएगा कब से दिक्कत है, कितने टाइम की दिक्कत हो रही है? पब्लिक तरीके से काम करने नहीं दे रही थी, बड़ी दिक्कत आ रही है यार। पब्लिक को तो आप मैनेज कर देंगे ना, पब्लिक का काम हमारा है, तो कर कौन काम, पब्लिक रोक रहा है, ले मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, तुम करोगे तब तो उनका विश्वास ही खत्म हो गया। कितने नहीं करने देती ऐसा, मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि पब्लिक काम नहीं करने दे रही आपको। पब्लिक परेशान है यहाँ पे, इन लेडीज को देखिए, स्कूल छोड़ने जाते ना गोद में लेके जाते। छह महीने से इतनी परेशान हो गए हम लोग, पूछो मत, धरक में डूबे पड़े हैं। समस्या क्या है? समस्या ये है, हमारी लैंड में पूरे घर भरे हुए हैं हमारे, आज ये कल से पैप लगे हैं ना, लेकिन मतलब हमारे घर भरे, वीडियो देखो घर कैसे भरे हुए हैं, घर देखो हमारे, ये मैंने भी यही भेजी थी पूरे रात को भरे हुए हैं। हां हां, वीडियो घर भरे हुए हैं, अभी क्या देखो, ये सीवर का पानी है। अभी आपने मुझे कहा कि दो महीने से प्रॉब्लम है, दो महीने, ये सारी महिलाएं कह रही हैं कि छह महीने से पानी भर रहा है, ये झूठ बोल रही हैं क्या? मैं ये नहीं कह रहा झूठ, दिक्कत क्या है, ये क्लस्टर है। हाँ जी, सारा क्लस्टर का भी गार्बेज इसी के अंदर आता है हमारा, और इसी कॉलोनी का भी इसी में आता है, तो ये रिपीटेड कंप्लेंट होती है, जैसे आज करके गए उसे एक दिन चला या दो दिन चला, ये मतलब नहीं नहीं, एक घंटा छह महीने से एक घंटे के अंदर फिर दोबारा घर भर जाते हैं। आप तो कल पकड़ के लेके गए वहाँ पर राजेंद्र सारे, उनको पकड़ के लेके घर के अंदर। बताइए अगर छह महीने से दिक्कत आ रही है और आपको पता है यहाँ पे समस्या है, तो आपने यहाँ पे सीवर की लाइन क्यों नहीं बदली? ये लाइन बदली जाएगी, इनको प्रोग्रेस जिसका आप कह रहे हो, लाइन तो बदली है दोस्तों, लाइन तो बदली है। बताइए सीएम साहब आपने क्या किया? कोई ऐसी जानकारी में नहीं, ये तो आपकी जानकारी में होना चाहिए ना। अगर ये मेरी जानकारी में है कि जे कॉलोनी में वजीरपुर में यहाँ पे समस्या है, ये आपकी जानकारी में क्यों नहीं है? मैं तो पूरी दिल्ली का जल बोर्ड देख रही हूँ, मैं तो और विभाग भी देख रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता है ना, तभी तो मैं उठ के आई हूँ। अगर मुझे पता चल सकता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आपको क्यों नहीं पता चल रहा? इसका मतलब है आप कभी ग्राउंड पे आते ही नहीं है। ग्राउंड पे नहीं आते ना, राउंड पे आएंगे तभी तो उनको समस्या का होगा, राउंड पे नहीं आएंगे तो कैसे समस्या का होगा? नहीं आपको पता है, इनको तो नहीं पता है ना, इनको तो हमने पहली बार देखा है आपके साथ। मेरा घर भी देखना था, पीछे वाला मैंने भी देखा, ये यहाँ से लेकर पूरी गली भर गई है, थोड़ा नीचे हो गया ना तो ये भर जाता है। हाँ जी, निकलेगा छोटा बच्चा है, स्कूल कैसे जाए? ये सारा सीवर का पानी है, खुद देख के गया हूँ, मैंने कराया भी है, ये दुखी होकर वीडियो मैंने भेजी। पर आप मुझे बताइए, किसी भी एरिया में ऐसी हालात आ रही है, हम सबको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, नरक में जी रहे हैं ये लोग आपकी वजह से। कब से भरता है ये पानी? ये छह महीने हो गए मैडम, लाइट डाली छह महीने। हाँ जी, हमें अपने बच्चों की कसम है, हम झूठ बोलते, बताइए ये आती है कंप्लेंट छह महीने के, मैं साल भर चली जाता हूँ, साल भर चली होगी, आती है रिपीटेड कराते रहते हैं। बताइए क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पानी की प्रॉब्लम रही, मैंने नई लाइन डलवा दी,
नई लाइन डलवाने के बाद भी हमने बताया लाइन को दूर रखो क्योंकि पीछे भी झुक गया हमारे, वो लोग कनेक्शन करती है, नेचुरल बात है। नई बात सुनी गई और उसके बाद आज भी पानी नहीं पहुंच रहा, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आता, पंप से सप्लाई करता हूं। कनेक्टिविटी कहां से करनी है उसकी? हमने बाहर की नहीं, बाहर से लाइन खींची थी। देखिए मीना जी, मैं आपको कितने दिन से कह रही हूँ, जब हम रोज बैठे हैं आपके एसीएम्स को कुछ अता पता नहीं है, ग्राउंड पे कोई जाता ही नहीं है। मैं रहता हूँ, मैं जानता हूँ। बोलो बोलो, मेरी उम्र गुजर गई, मैं बुढ़ा हूँ, आज बुढ़ा हो गया। अरे बोलो तो बुढ़े इतने हैं, या पीने पानी नहीं है? आप मेरी बात सुनिए, आप एक गिलास पानी पीजिए, मैं आपको 5,000 रुपए देता हूँ, पानी पीजिए। ये पंप चल रहा है, मिट्टी फेंक रहा है, ये यहाँ ये पीने वाला पानी है। मैंने कंप्लेंट करी करने के बाद, उसके बाद जय साहब मेरे से बोलते हैं कि आप अपने आप रिपेयर करा लो, पैसे मैं दूंगा। पैसे कहाँ से लेके आएगा बंदा, बताओ ना रिपेयर? ये बंदे मेरे को ये कहते हैं कि पैसे आप अपनी तरफ से लगाओ और आप इसको ठीक करा लो। उसके बाद भैया ने कह के वो 12 कराई थी। ईएनएम से कौन है बताइए, आप जवाब दीजिए इसका। हमने तो कल क्रेन लगा के, वो बेटर नहीं था। तो आज आज की बात है ना ये, तो ये जब आपको पता है कि आज मैं यहाँ पे आ रही हूँ दौरे पे, तब आपने ठीक करा दिया। ये भी क्या कर रही, तब अफसर नहीं सुनते। मैं बता दूं आपको साहब, ये 800 अफसर आ रहे हैं ना, ये आप देश से आ रहे हैं, कोई अफसर नहीं सुनते। ये जय साहब है, मैं कई बार जाता हूँ पानी लाइन के लिए, सीवर की लाइन के लिए, दे रहे साहब ही नहीं हो रहा, हट उठा दी साहब, ये कोई काम नहीं होता। मैम ये पब्लिक तो धावा बनाया जाता है कि लड्डू कल मिल जाएगा, कल आ जाना, कल बन जाएगा। नहीं सर, पर आप मुझे ये बताइए जिंदल जी, तो आप बताएंगे ना कि अगर यहाँ पे इतनी समस्या है, आपने कभी क्यों नहीं बताया मेंबर वाटर को? ये आप एक आज से ही ऑर्डर इशू कर दीजिए कि अपने सारे एसीएम्स रोज अपने अलग अलग एरिया में जाएंगे। हर एसीएम के पास 6 विधानसभाएं आती हैं, 7 विधानसभाएं आती हैं, वीकली एक दिन में एक विधानसभा, किसी भी विधानसभा में 3-4 से ज्यादा पेन पॉइंट होते ही नहीं है। आप लोग एक बात पे भरोसा रखिए, जब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली के आम इंसान को परेशानी नहीं होने देंगे। और यही कारण है कि आज विधायक जी हमें लेकर भी आए हैं, और मैं आपसे वादा करके जा रही हूँ कि 6 महीने के अंदर अंदर समस्या सुलझ जाएगी।